आदरणीय सभापति जी, ये सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास है। एक तो उसका स्थायित्व, परमानेंट कहें या इटर्नल कहें, और दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। स्थायित्व इसलिए है, इटर्नल इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है, इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है, यानी ये इटर्नल है। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था इटर्नल रहती है, ये अपनी उसकी एक विशेषता है। और दूसरा है विविधता, क्योंकि यहां राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है, एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की अनेकता के एकता का जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और वो समय समय पर ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है, उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग, उनका लाभ देश के राजनीतिक जीवन को, देश के नीति निर्धारण के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है और समय समय में मिला है। वैज्ञानिक हो, खेल जगत के लोग हो, कला जगत के लोग हो, कलम के धनी हो, ऐसे अनेक महानुभावों का लाभ, जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण हमारी बौद्धिक संपदा का भी एक रिचनेस हमें इससे प्राप्त हुई है। और इन 250 सत्रों में, और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब आंबेडकर स्वयं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राज्यसभा थी जहां बाबा साहब आंबेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला। और इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं कि ये सदन है जहां से देश को बाबा साहब आंबेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का हमें बहुत ही लाभ मिला।